मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाहौर के अंदर ने मौका ना मिलने पर मायूस होकर क्रिकेट छोड़ने वाले को अपनी टीम का कप्तान बनाकर सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक लाहौर के अंदर ने PSL 5 के ड्राफ्ट के मौका पर जारहाना अंदाज में बैटिंग करने वाले सुहेल अख्तर को जब कप्तान मुकर्रर किया तो सब ने हैरानी से पूछना शुरू कर दिया कि सुहेल अख्तर कौन है, और टीम में दीगर सीनियर और तजर्बाकार क्रिकेटर्स भी मौजूद होने के बावजूद वो कैसे कप्तान बन गया। लाहौर थंडर्स के कप्तान सुहेल अख्तर ने गुफ्तगू में कहा कि वो गुज़िश्ता 3 साल से लाहौर थंडर्स के साथ हैं और टीम मैनेजमेंट ने हमेशा इनकी हौसला अफजाई की है। वो टीम के हमराह ऑस्ट्रेलिया गए और अबूधाबी कप में भी कप्तानी की। जब अबूधाबी में कामयाबी हासिल की तो इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि लाहौर कंदर्स की इंतजामी इन्हें कप्तानी के लिए तैयार कर रही है। सुहेल अख्तर का मजीद कहना था कि 2 साल की ग्रूमिंग के बाद जब टीम मैनेजमेंट ने इनसे पूछा कि वो कप्तानी का बोझ संभालने के लिए तैयार हैं तो इन्होंने फौरी तौर पर हामी भर ली। इन्होंने कहा कि सीनियर खिलाड़ी भी इनके साथ मौजूद हैं, इसलिए इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा। सुहेल अख्तर ने अपने सफ़र के बारे में बताया कि इन्होंने मायूस होकर क्रिकेट छोड़ी हुई थी क्योंकि एबटाबाद रीजन में मौके ना मिलने के बायस वो मायूस हो चुके थे और फिर एबटाबाद रीजन की तंजली भी हो चुकी थी, और 3 वर्षों के बाद इन्हें Grade 2 में मौका मिला जहां इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और फिर लाहौर कंदर्स के साथ जुड़ गए जहां मौका मिलने पर इन्होंने अपनी अहमियत साबित कर दी। इनका कहना था कि किसी खिलाड़ी पर मुकम्मल एतमाद किया जाए तो वो 20 से 120% तक मेहनत करने में कामयाब हो जाता है, और लाहौर कंदर्स ने इनकी फिटनेस और खुराक पर काम किया रही और इसी का इन्हें अब फ़ायदा हो रहा है। तो अच्छी बात, ये एक अच्छे प्लेयर हैं तो आगे जाकर ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं और इस टूर्नामेंट में इनकी जो सलाहियतें वो भरपूर तौर पर सामने आ सकेंगी कि एज ए कैप्टन ये किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। खैर, आप लाहौर कंदर्स की टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस बार वो कुछ कर पाएगी? वैसे इस बार काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, Season 4 में भी हम ये कह रहे थे कि इस बार इनकी टीम बहुत अच्छी है, काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन बॉलिंग इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस बार। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, हमें अपनी राय का इजहार कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।